सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। नमस्कार, विनोद की रसोई में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की बड़ी। आप इसको बहुत घर में बहुत ही आसान तरीके से इसको बना सकते हैं और बना के इसको स्टोर कर सकते हैं। जब घर में आलू ना हो तो आप इसकी बढ़िया की सब्जी बना के खा सकते हैं और इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो और ये 4 से 5 महीने के लिए आप इसको स्टोर करके रख भी सकते हैं। और इस आलू बड़ी को आप सोया साग जो होता है उसको डाल के आप इसको एक नया फ्लेवर दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है ये। और ये जब भी आप इसकी बढ़िया बनाएं तो तेज़ धूप हो तभी बनाएं। और ये हमने करीब 1 से 1.5 महीने पहले बनाई थी, तो ये थोड़ी वीडियो हमारी थोड़ी लेट भी है। और जब तेज़ धूप हो तभी आप इसको बनाएं, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए बनाते हैं आलू की बड़ी। तो लीजिए, आलू की बढ़िया बनाने के लिए हमने आलू लिए हैं। ये आलू हमने छोटे और बड़े कुछ इस तरह के आलू लिए हैं, जिनको मैंने बॉयल करके इस तरह छील लिया है। और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे और इसको हमें अच्छा सा मतलब पीस टाइप मतलब बिल्कुल पिसा पिसा सा उसी तरह बनाना है इसको हमें। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा सोया यानी जो सोया होता है ये भी डाल सकते हैं। अगर इसको फ्लेवर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं अच्छा लगता है तो आप सादे इसकी बढ़िया बना सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा फ्लेवर डालने के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी सोया ली है, करीब आधी कटोरी। और ये हमारा करीब 2 किलो आलू है और ये आलू हमने छोटे बड़े सभी मिला के लिए हुए। और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। और हम एक थाली लेंगे और उसमें थोड़े से आलू डालेंगे। आप चाहे तो आलू को कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो हम इस तरह मैशर से इस तरह अच्छे से हम दबाते हुए अच्छे से इसको मसल लेंगे। इसको दबाते हुए अच्छे से इसी तरह सारे आलुओं को हम, और इस तरह करने के बाद आप चाहे तो मैसर ना हो तो कद्दूकस भी आप इस तरह लेके आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। इस तरह अच्छे से इसके लच्छे निकल आएंगे और बहुत ही फाइन बढ़िया से आपका इसी तरह सारे आलुओं को इसी तरह कद्दूकस या मैसर चाहता से इसको हम पीस लेंगे। तो लीजिए, मैंने आलू को अच्छे से कद्दूकस और इस तरह करके मैं इसको बिल्कुल पीस लिया है। ये देखिए वो काफी फाइन हो गया है बिल्कुल। और इसमें हम कोई भी मसाला नहीं डालेंगे। और जब भी आप आलू बॉयल करें इसको अच्छे से धुल लें और किरकिरी बिल्कुल ना रहे। आलू अच्छे वाले आलू हो और आप छोटे बड़े जैसे भी लेना चाहें ले सकते हैं। तो मैंने ये आलू लिया और गर्मा गर्म इसको छील के आप फटाफट इसके इस तरह घिस लें। और ये अब ठंडा भी हो गया है। और ये मैंने करीब 2 किलो लिया है। और ये ली सोया। तो सोया जैसे मैंने बताया कि आपको अच्छा लगे तो डालिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। और इसका फ्लेवर सब्जी में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो मैं इसमें करीब आधी कटोरी ये डाल दूंगा और इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर देंगे। और इस बड़ी को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और कि इसमें कोई मसाले भी पड़ रहे हों या कुछ ऐसा कुछ हो। और इसको अच्छे से हमें बहुत जैसे उड़द की बड़ियाँ मूंग की बड़ी बनाने में इसको बहुत फेंटना पड़ता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको अच्छे से हाथ से मिक्स करके इसको फटाफट बनाना शुरू कर दें, क्योंकि इसको फेंटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गई है। तो आप इसमें थोड़ा हरा धनिया भी डाल सकते हैं और इसमें नमक या ऐसा कुछ मसाला वगैरह कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो लीजिए, मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और बड़ी बनाने के लिए, इसकी बढ़िया बनाने के लिए हम एक थाली ले रहे हैं। आप चाहे तो पन्नी में भी बना सकते हैं, पॉलीथीन बिछा के उस पर, या एक कोई सूती कपड़ा हो उस पर बिछा के बना सकते हैं। तो मैंने एक थाली लिया हुआ है और इसको रखने और उठाने में भी आराम रहेगा। और जब ये बढ़िया बनाए तो आप धूप तेज हो तभी बनाए। तो मैं इस तरह आलू का मिश्रण ले लूंगा और इस तरह हाथ से छोटी छोटी, बहुत बड़ी बड़ी नहीं बनानी है,
आप देख सकते हैं इसकी छोटी छोटी बड़ियां बनानी है हमें इस तरह। आप साइज देख सकते हैं इस तरह, ये साइज हमारा छोटे छोटे इस तरह बनाते चले जाएंगे। और इसमें तेल भी लगाने की जरूरत नहीं है, इसको वैसे डालेंगे और ये आराम से निकल भी आएगा। तो इसकी हम छोटी छोटी बढ़िया बना लेंगे और तेज धूप हो तभी आप इसको बनाएं। आप इसको बना के और सुखा के आप इसको पॉलिथीन में करके रख सकते हैं और बीच बीच में जब धूप में है इसको आप दिखाते रहें। और गांव देहात वगैरह में ये बढ़िया बहुत ही बनती हैं, क्योंकि वहां पे जब खेतों में आलू खुदते हैं और छोटे छोटे आलू जब बचते हैं तो इस तरह इनकी बढ़िया बना ली जाती हैं। देखिए, और इसको थोड़ी सी दूर दूरी पे इसको ऐसे बनाते जाएंगे जिसमें अच्छे से ये धूप भी लग जाएगी इसमें और आलू भी सस्ते मिल जाते हैं। और कभी कभी घर में सब्जी नहीं होती तो आप इस तरह आलू की से होता कि जैसे घर में सब्जी बनानी हो, घर में आलू नहीं है तो आप फौरन इसको बना सकते हैं। और इसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और वो भी आपको हम बना के दिखाएंगे। तो इसी तरह सारी बढ़िया हम बना लेंगे। तो लीजिए, मैंने सारी बरियों को इस तरह बना लिया है। अब इसको हम तेज धूप में इसको सूखने रखेंगे। तो लीजिए, मैंने इसको तेज धूप में रख दिया सूखने में, और इसको तेज धूप में सूखने में करीब 2 से 3 दिन लगेंगे। और देखिए, 2 से 3 दिन तेज धूप में अच्छे से सूख गई है। और इसमें मैंने सोया डाला था उसकी वजह से ये कुछ देखिए इस तरह ये कलर हो गया है। आप देखिए ना, सोचे कि हल्की सी काली या कुछ ऐसा कुछ हो गया है, तो क्योंकि सूखने के बाद ही थोड़ा सा कलर भी चेंज करता है। तो ये अच्छे से सूख गई है, देखिए बिल्कुल अच्छे से। तो इसको मैंने करीब 2 से 3 दिन बड़े अच्छी धूप में, तेज धूप में इसको सुखाया है और ये अच्छे से सूख गई हैं। आप इनको अच्छे से इनको पैकेट में रख सकते हैं और इसकी हम एक रेसिपी बना के दिखाएंगे। तो चलिए, इसको अच्छे से इसको एक पैकेट में बंद करके रख देते हैं। तो लीजिए, आलू की बढ़िया बहुत अच्छे से सूख गई है। तो इनको इस तरह एक डिब्बा देंगे आप, कांच का या प्लास्टिक का, मैंने प्लास्टिक का डिब्बा लिया हुआ है और इसी में हम रख देंगे। और इसमें सीलन बिल्कुल आनी चाहिए। तो देखिए बिल्कुल सारी डिब्बों में हम इस तरह भर देंगे। तो लीजिए, मैंने इस तरह डिब्बे में रख लिया है। तो मैंने तो अभी थोड़ी बनाई है और आप भी थोड़ा ज्यादा बनाने का पसंद करें तो आप इस तरह लेके आप इसको मसालेदार सब्जी बना के खा सकते हैं। तो बीच में आपको हम इस तरह इसकी वीडियो बना के दिखाएंगे और इसकी डिश बना के दिखाएंगे कि इसकी सब्जी कैसे बनती है। तो देखिए, इस तरह हम डिब्बा बंद कर देंगे और इसको बीच में इसको ऐसा करेंगे, बीच में जैसे कभी हुआ तो 2-3 हफ्ते में इसको एक बार धूप में रख के इसको हम सुखा देंगे। और ये 4 से 5 महीने के अंदर ही, मतलब बहुत ज्यादा दिन नहीं रखी जाती है, 4 से 5 महीने के अंदर ही इसको खत्म कर दें इस तरह। तो इसी तरह आप हम नई हम इस तरह दिखाते रहेंगे आपको हम, और नई नई रेसिपी आप इसको बनाते रहें तो आपके लिए नई नई लाते रहेंगे। और आप हमारी वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और देखिए, बहुत ही बढ़िया बनी हुई है। तो फिर मिलेंगे इसी तरह एक नई रेसिपी के संग और नई इस तरह चीजें दिखाएंगे आपको। तो तब तक के लिए धन्यवाद।